सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मिजोरम के नतीजे आने वाले हैं और देखिए 8 बज चुके हैं, इसका मतलब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, मिजोरम की 40 सीटें, ये आप इस वक्त टैली देख रहे हैं, 0-0 अभी नजर आ रहा है, लेकिन अब तेजी के साथ आंकड़े यहां पर बदलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब मिजोरम में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ देर में मिजोरम का पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। मिजोरम की सभी 40 सीटों के आज नतीजे आएंगे, पहले कल आने थे। 4 राज्यों के नतीजे पहले ही आ चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। 3-1 का अभी फिलहाल स्कोर है। कुछ देर में मिजोरम के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 8 बज चुके हैं और मिजोरम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। MNF, कांग्रेस, ZPM, BJP और अन्य, मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इन नतीजों को लेकर कल कहा गया वो बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों की गूंज सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित नहीं रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो हैट्रिक लगी है ये 2024 में हैट्रिक की गारंटी बन चुकी है। लेकिन थोड़ी देर में मिजोरम की मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 24 के लोकसभा चुनावों का रुझान कल ही देश ने देख लिया। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत की हैट्रिक ने, 2024 के लिए दिल्ली में भी हैट्रिक की तस्वीर साफ कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि अब भी इस देश में जीत की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और आइजोल से इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। काउंटिंग शुरू, ये मेरे पीछे ये असेंबली एनेक्सी है, यहाँ 4 सभाओं के, विधानसभा के लिए स्थानों के लिए यहाँ पे मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट का गणना शुरू हो चुका है और इस बार क्योंकि लोग घरों से बहुत मतदान किए हैं तो इस वक्त ये जो बैलेट है, बैलेट काउंटिंग, उसका पोस्टल बैलेट का काउंटिंग थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद जो है वो जो यहाँ की जो EVM काउंटिंग है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगा। आइजोल शहर, राजधानी आइजोल शहर में ऐसे 3 मतदान मतगणना केंद्र है जहां पे DC ऑफिस है। DC ऑफिस में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए मतगणना हो रही है। यहां मेरे पीछे असेंबली एनेक्सी 1 है, यहां 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए मतगणना हो रही है। और आइजोल कॉलेज, जो आइजोल की बात करूं तो यहां पे जो अहम जो लोग हैं जिनके आज भाग्य का जो निर्धारण है वो कुछ ही पल में साफ हो जाएगा। उसमें से जो यहां के मुख्यमंत्री है जोरामथांगा, MNF के चीफ और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथांगा, उनका जो यहाँ रिजल्ट है वो DC ऑफिस में है। यहाँ जो मेरे पीछे है, यहाँ पे MNF के एजुकेशन मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोनों का भाग्य यहाँ पे EVM में बंद है और जो थोड़ी ही देर बाद वो साफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है जो मतदाता का संख्या है वो बहुत कम होता है। इस वजह से करीबन 3 राउंड तक मतगणना होगा और लगभग 10:30 से 11:30 के बीच सारा जो छवि है वो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आगे कौन चल रही है। MNF की बात करें, अगर जो जोरामथांगा के नेतृत्व में MNF है, MNF यहाँ पे शासनाधीन सरकार है उनका, तो MNF पिछली 2018 में 26 सीट उनको मिला था और कांग्रेस को 5, और 2018 में जो दल जो उभर के आया था एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से वो था ZPM या जोराम पीपल्स मूवमेंट जो है उनका नेतृत्व दे रही है। लालदो वामा जो एक प्राक्तन IPS ऑफिसर है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वो सुरक्षा जो के वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी पर था, लालदो वामा यहाँ से कांग्रेस का एककालीन सांसद भी वो रहे हैं, तो लालदो वामा का इस बार बहुत प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। लालदो वामा से हम जब काल मुखातिब हुए थे, जिनसे उनके बात किए थे, वो उन्होंने कहा कि इस बार जोरामथांगा का कोई चांस नहीं है और इस बार जो है ZPM को संख्या गरिष्ठता उनको मिल रही है, वो एक एक रूप से ही सरकार यहाँ पे बनाएगा। अन्यथा जो
कांग्रेस है, कांग्रेस का स्थिति बहुत ही अहम है। कांग्रेस का स्थिति है कि पिछली बार 30% उनको वोट मिला था और 30% वोट मिलके उनको 5 सीट उनको मिला था, 5 सीट मिला था, और इस बार वो कह रहे हैं कि उनका जो स्थिति है वो बेहतर होगा। जो यहाँ की ZPM और MNF दोनों ही इस बात से नकार रहे हैं कि कांग्रेस का इस बार स्थिति बहुत खराब होगा। बीजेपी जो है, बीजेपी पिछली बार 2018 में बीजेपी को महंत बालकनाथ को दिल्ली बुला लिया गया, ये बड़ी खबर आ रही है। महंत बालकनाथ अलवर से सांसद, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। भाई वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, महंत बालकनाथ या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन अब खबर आ रही है कि महंत बालकनाथ अलवर से सांसद जो थे, अब तिजारा से, अब उन्होंने चुनाव जीता इस बार, उनको दिल्ली बुला लिया है। 163 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। भवानी इस वक्त हमारे साथ है। भवानी, सीएम रेस में नाम तो था और अब दिल्ली भी बुला लिया गया। देखिए अमन, राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसको लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गजेंद्र सिंह को कल बुलाया गया था, बालकनाथ को भी बुला लिया गया, और 4-5 बड़े चेहरे हैं जिसमें ये देखना होगा कि कौन सीएम होगा। बालकनाथ क्यों प्रोमिनेंट चेहरा है, क्योंकि लगातार राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बाबा बालकनाथ का नाम चलता रहा है सीएम रेस के अंदर, क्योंकि वो एक फाइव ब्रांड हिंदूवादी चेहरा है। उनकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाती है, इसलिए भी काफ़ी अहम है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा कि होगा कौन, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जानते हैं कि कौन होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जो रेस के लोग हैं जिनमें वो मानते हैं कि इनमें से कोई किसी को चुना जा सकता, उनसे वो खुद बात करेंगे और उसके बाद में आगे का फैसला करेंगे। हालांकि जो फैसला है वो जयपुर के अंदर का, यहाँ ऑब्जर्वर भेजा जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले अरुण सिंह है वो कह चुके हैं कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी और उसके अंदर तय किया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री पहले तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद में संसदीय बोर्ड की बैठक लगेगी होगी और यह जयपुर के अंदर ऑब्जर्वर विधायक की मीटिंग बुलाई जाएगी। जी, महंत बालकनाथ की संभावनाएं कितनी और महंत बालकनाथ पर मोहर क्यों लग सकती है आपके हिसाब से, या क्यों नहीं लग सकती है? देखिए, दो वजह, देखिए लगने की वजह तो अमन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल आए, उसमें भी कई एग्जिट पोल में बताया गया कि बाबा बालकनाथ बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रियता नो डाउट उनकी देखी गई, क्योंकि अलवर का जो मंदिर का इशू हुआ या कई सारे इशू थे जो राजस्थान के अंदर जो तुष्टिकरण का मुद्दा लगातार वो उठाते रहे, तो राजस्थान के अंदर वो एक लोकप्रिय चेहरा है। दूसरी बात कि जो राजस्थान के कास्ट इक्वेशन है उसके हिसाब से वो फिट बैठते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर जो बड़ी जातियाँ, 4 अगड़ी जातियाँ हैं, उनमें से किसी एक को सीएम बनाते तो दूसरे की नाराज़गी। तीसरा, क्योंकि उनका जो उनकी जो भगवा छवि है वो